नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर की कोची बेराज से अचानक पानी छोड़ने से बर्बाद हुई खरबूजे की फसल, पीड़ितों ने की उचित मुआवजे की मांग। सावनेर तहसील अंतर्गत स्थित कोची बेराज से जल संधारण विभाग द्वारा 11 मार्च 2023 की रात बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक कन्हान नदी में पानी छोड़ने से कोची बेराज के पास से खापर खेड़ा बिना भाने गांव तक कन्हान नदी के पात्र में लगी खरबूजे की फसल पूरी तरह से बर्बाद होकर खरबूजा उत्पादकों पर भूखे मरने की नौबत आकर खड़ी हुई है। बता दें कि सावनेर तहसील अंतर्गत बहने वाली कन्हान नदी के मीठे खरबूजे की मांग बड़े पैमाने पर है तथा सावनेर तहसील के कन्हान नदी के किनारे बसे 52 गांव खापा, रामडोंगरी, वाकुरी, किरनापुर, बीना, भाने गांव, खापर खेड़ा, चिचोली, महादुला, दहे गांव, पाड़ी, वलनी, रोहना, सिल्लेवाडा आदि गांवों के पीड़ित भोई समाज बंधु बड़े पैमाने पर खरबूजे की खेती करते हैं। इस वर्ष भी उक्त पीड़ितों ने अपने अपने गांवों के करीब से बहने वाले कन्हान नदी के पात्र में खरबूजे की खेती कर उसकी देखभाल में जुट गए, लेकिन 11 मार्च 2023 की रात अचानक जल संधारण विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देते हुए कोची डैम के गेट खोल देने से कन्हान नदी के पात्रों में लगी खरबूजे की फसल बहकर पूरी तरह से नष्ट होकर उनकी आजीविका का प्रश्न निर्माण हो गया। उप विभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कन्हान नदी के किनारे बसे भोई समाज पर आए अचानक संकट को देखते हुए पीड़ितों की खरबूजे की फसल के हुए नुकसान भरपाई हेतु करीब से कौ पीड़ितों ने पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, जिला परिषद सदस्य प्रकाश खापरे, पंचायत समिति सदस्य प्रकाश पराते, पीपला दागबंगला के सरपंच विष्णु कोकरडे आदि के नेतृत्व में उप विभागीय अधिकारी अतुल महेत्रे को ज्ञापन सौंप कर कोची डैम तथा सावनेर जल संधारण विभाग की लापरवाही हुई खरबूजे की फसल के नुकसान भरपाई की मांग की तथा इस संकट हेतु जवाबदारों पर अपने कर्तव्यों का लापरवाही से पालन करने हेतु उन पर उचित कार्रवाई मांग की तथा नुकसान भरपाई शीघ्रता से न दिलाई गई तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस अवसर पर कन्हान नदी के तट बसे लगभग सभी गांवों के खरबूजा उत्पादक उपस्थित थे। सावनेर तहसील ब्यूरो मुकेश चरबड़े की रिपोर्ट। बैरेट में जो संस्थापक है उनकी गलतियां हैं और यही गलतियों को अपने बहुत बड़ी तरीके से हमारे काश्तकारों का यहाँ नुकसान हुआ है। जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ है, एक साल भर की उनकी उपजीविका, एक पेट भरने का साधन वो उस समय में उनके 2 या 2.5 महीने का रहता है, तो हमारी सभी लोगों से सरकार से विनती है कि सभी लोगों की तरफ से कि अच्छे से अच्छा मुआवजा इन लोगों को मिला जाए। प्रकाश बाबू, इस मुआवजा दिया जाए, आपने जो अभी मांगे की है तो उसमें मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग जो इनका जो नुकसान हुआ है और जो पूरी जीविका इनकी साल भर की जीविका और डांगरवाड़ी के ऊपर निर्भर होती है, तो हमारा शासन से यही कहना है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा दे। कन्हान नदी में छोड़ने के कारण वहाँ के किसानों की जो डांगर की जो अपने जो डंगरा जो रहता है उसकी जो बाढ़ है वो पूरी तरह से बह गई है, इसके बारे में यहाँ एक निवेदन देने के लिए आए हैं, तो आपका क्या कहना है? दिनांक 11 को अपने सावनेर तालुका के जो कन्हान नदी के किनारे बसे हुए जो गांव है उसमें से कोची से लेकर हमारे खापरखेड़ा भाने गांव तक की जो 17 से 18 गांव है, उस गांव के बहुत से लोग डंगरा का खेती करते नदी के किनारे कन्हान नदी में, लेकिन अचानक कोची बैरेज का पानी बढ़ने से वहाँ से बहुत से लोगों का वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब जो हमारा जो ढीमर समाज की पूरी उपजीविका वो साल भरी की उपजीविका वो डंगरे पे रहती है, लेकिन कन्हान नदी का पानी बढ़ने से उनका काफ़ी नुकसान और साल भरे का उनका बजट बिगड़ गया।